नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता त्रिपाठी। पॉडकास्ट कविता विद संगीता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। जन्म 1908, मृत्यु 1974। साहित्य अकादमी पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रामधारी सिंह दिनकर आजादी के पहले विद्रोही कवि और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। तो चलिए सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई कविता गांधी। देश में जिधर भी जाता हूँ, उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ, जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ। घुप अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ। पूरे पहाड़ हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो। कोई तूफान उठाने को कवि गरजो गरजो गरजो। सोचता हूँ मैं कब गरजा था। जिसे लोग मेरा गर्जन समझते हैं वह असल में गांधी का था। उस गांधी का था जिसने हमें जन्म दिया था। तब भी हमने गांधी के तूफान को ही देखा, गांधी को नहीं। वे तूफान और गर्जन के पीछे बसते थे। सच तो यह है कि अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल होते देख वे हंसते थे। तूफान मोटी नहीं, महीन आवाज से उठता है। वह आवाज जो मोम के दीप के समान एकांत में जलती है और बाज नहीं कबूतर के चाल से चलती है। गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे निरवता की आवाज थे। क्योंकि वे निरवता की आवाज थी।